देशभर के एमएसएमई सेक्टर से जुड़े सभी मेरे उद्यमी भाई बहन, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, हमारे यहां बचपन से एक श्लोक सिखाया जाता है और ये श्लोक हम सबने सुना है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथै, यानी उद्यम करने से ही सिद्धि मिलती है, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। और सोचने वालों की कभी नहीं होती। इस श्लोक के भाव को अगर मैं आज के समय के हिसाब से थोड़ा बदल करके कहूं तो मैं ये कहूंगा कि एमएसएमई के उद्यम से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी, भारत सशक्त होगा। कहने के तो आप लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत मध्यम उद्यमी है, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। हमारे देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद है, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। और इसलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं लॉन्च की गई है। हजारों करोड़ रुपए की ये योजनाएं एमएसएमई की क्वालिटी और प्रमोशन से जुड़ी है। एमएसएमई इकोसिस्टम को और सशक्त करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की रैंप स्कीम हो, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम हो और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के दायरे को बढ़ाने का निर्णय हो, सरकार के इन महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत के एमएसएमई सेक्टर को और गति मिलने वाली है। थोड़ी देर पहले देश की 18,000 एमएसएमईज को 500 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए, आपके सामने डिजिटली ऑलरेडी उनके अकाउंट में पैसे चले गए। 50,000 करोड़ रुपए के सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के तहत
1400 करोड़ रुपए से अधिक एमएसएमई के लिए रिलीज हुए हैं। सभी लाभार्थियों को, पूरे एमएसएमई सेक्टर को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। अजय, यहां मंच पर आने से पहले मुझे अनेक साथियों से बातचीत करने का अवसर मिला और उन लोगों से मैं बात कर रहा था जिनको सरकार की किसी न किसी योजना का उन्हें लाभ मिला था और उन्होंने उसमें अपनी टैलेंट, अपना परिश्रम, अपनी स्किल, इन सबको लगा करके एक नई दुनिया खड़ी कर दी है। बातचीत के दौरान जिस प्रकार का आत्मविश्वास मैं, मेरे नौजवान ज्यादातर थे, हमारी माताएं बहनें थी, बेटियां थी, उन सभी उद्यमियों में जो मैं अनुभव कर रहा था वो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसमें एक नई ऊर्जा का एहसास होता था। शायद मुझे ज्यादा समय होता तो मैं और घंटों तक उनसे बातें करता रहता कि हर एक के पास कुछ न कुछ कहने को है, हर एक के पास अपना अनुभव है, हर एक का अपना एक साहस है, हर एक ने अपनी आंखों के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनते देखा है। यह अपने आप में बड़ा सुखद अनुभव था। आज बहुत से साथियों को पुरस्कार भी मिला है। जिन साथियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है उनको मैं बधाई तो देता हूं, लेकिन जब पुरस्कार मिलता है तो अपेक्षाएं जरा ज्यादा बढ़ जाती हैं। हम चाहेंगे कि आपने जो किया है अब एक बहुत बड़ी छलांग लगाएं। आपने जो किया है उससे आप अनेकों को प्रेरित करें और एक ऐसा माहौल हम बना दें कि अब आगे ही आगे जाना है। साथियों, आप भी जानते हैं कि जब हम एमएसएमई कहते हैं तो तकनीकी भाषा में इसका विस्तार होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, लेकिन ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग एक तिहाई हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। आसान शब्दों में कहूं तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे एमएसएमई सेक्टर की वजह से आते हैं। एमएसएमई सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना, सबको आगे बढ़ाना। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए एमएसएमई सेक्टर देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था की गति को देखकर प्रभावित है और इस गति में बहुत बड़ी भूमिका हमारे एमएसएमई सेक्टर की है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्रो इकोनॉमी की मजबूती के लिए भी जरूरी है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है, इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। और इसलिए
हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस सेक्टर से 11 करोड़ से अधिक लोग इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने के साथ ही उन्हें नई ताकत देने का भी फैसला लिया। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद एमएसएमई के लिए सुनिश्चित की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब 1.5 करोड़ रोजगार खत्म होने से बच गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है ये। आपदा के समय मिली यही मदद आज देश के एमएसएमई सेक्टर के नए रोजगार के निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हमने इस साल के बजट में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को अगले साल मार्च तक बढ़ाने की भी घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उनको भी 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, 10 गुना ज्यादा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमारे एमएसएमई भारत की आत्मनिर्भरता के विराट लक्ष्य की प्राप्ति का भी बहुत बड़ा माध्यम है। एक समय था जब पहले की सरकारों ने इस सेक्टर की शक्ति पर भरोसा नहीं किया, इस सेक्टर को एक तरह से बांध दिया था, उनके नसीब पर छोड़ दिया था। वे अपने बलबूते पर कुछ कर पाए तो कर ले, उनको कोई अवसर मिल जाए तो कुछ आगे बढ़ ले। हमारे यहां छोटे उद्योगों को छोटा बनाकर रखा जाता था, भले उनमें कितनी संभावना क्यों ना हो। छोटे उद्योगों के लिए इतनी छोटी परिभाषा तय की गई थी कि आप सब पर हमेशा से दबाव रहता था कि इससे ज्यादा व्यापार किया तो जो फायदे मिलते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। इसलिए स्कोप था तो भी बढ़ना नहीं चाहता था, अगर बढ़ता था तो कागज पर धार ही नहीं देता था, छुप छुप करके थोड़ा बहुत कर लेता होगा। आपकी बात मैं नहीं बताता हूं, वो तो औरों की बात बता रहा हूं। आप लोग कभी बुरा नहीं कर सकते, आप लोग तो अच्छे लोग हैं। और इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव रोजगार पर भी पड़ता था। जो कंपनी ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकती थी वो भी ज्यादा रोजगार नहीं देती थी, ताकि वो सूक्ष्म और लघु उद्योग की सीमा से बाहर चली जाती थी। तो उसको टेंशन रहता था कि भाई इससे नंबर बढ़ना नहीं चाहिए। इस सोच और इन नीतियों की वजह से कितने ही उद्योगों का विकास और प्रगति रुक गई थी। हमने इस रुकावट को दूर करने के लिए एमएसएमई की परिभाषा को बदल डाला और साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की जरूरतों को भी ध्यान रखा। हमने ये सुनिश्चित किया कि उद्यम आगे भी बढ़े और उन्हें जरूरी लाभ और सहायता भी मिलती रहे। अगर कोई उद्योग आगे बढ़ना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, तो सरकार न केवल उसे सहयोग दे रही है बल्कि नीतियों में जरूरी बदलाव भी कर रही है। आज होलसेल व्यापारी हो, रिटेल व्यापारी हो, रिटेल वेंडर्स हो, ये सभी
एमएसएमई की नई परिभाषा के अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोन का लाभ ले रहे हैं। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच के अंतर को भी दूर किया गया है। आज जेम के माध्यम से सरकार को सामान और सेवाएं मुहैया कराने के लिए एमएसएमई को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और मैं सभी आप साथियों से और आपके माध्यम से आपके सभी एसोसिएशन को, एमएसएमई सेक्टर में हो छोटे छोटे लोग को जुटा, आप जेम पोर्टल में रजिस्ट्री करवा ही दीजिए। एक बार जेम पोर्टल में है तो सरकार को कुछ भी खरीदना है तो पहले वहां जाना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं नहीं दे पाऊंगा तो फिर कहीं और जाएंगे। इतना बड़ा निर्णय, और सरकार एक बहुत बड़ा खरीदार होती है, उसको अनेकों चीजों की जरूरत पड़ती है और उसे ज्यादातर उन चीजों की जरूरत पड़ती है जिसको आप उत्पादित करते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जेम पोर्टल पर एक मिशन मोड में आप अभियान चलाइए। आज करीब 50-60 लाख लोग उस पर जुड़े हुए हैं जो विक्रेता हैं। ये 2-3-4 करोड़ लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? ताकि सरकार भी, उसको भी चॉइस रहेगा कि किस प्रकार से चीजें ली जा सकती हैं। देखिए, पहले सरकारी खरीद में एमएसएमई को कदम जमाने की कितनी मुश्किलें होती थी। उसके लिए बड़ी मुश्किल होता था कि इतना बड़ी रिक्वायरमेंट, इतना बड़ा टेंडर, मैं कहां जाऊंगा। वो बेचारा किसी और को दे देता था, वो जाके देता है। अब जरूरी नहीं है। अगर आप एक थर्मोस भी बेचना चाहते, एक थर्मोस, तो भी जेम पोर्टल से ये देश खरीद सकता है, सरकार खरीद सकती है। मुझे मेरी ऑफिस में एक बार एक थर्मोस की जरूरत थी, तुम जेम पोर्टल पे गए तो तमिलनाडु के गांव की महिला ने कहा कि हम, मैं दे सकती हूं। और पीएम ऑफिस में तमिलनाडु के गांव से थर्मोस आया, उसको पेमेंट मिल गया, थर्मोस से मुझे गर्म चाय भी मिल गई, उसका भी काम हो गया। ये जेम पोर्टल की ये ताकत है और ये आपके फायदे के लिए है। आपको इसका जितना फायदा उठा सकते उठाना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो निर्णय किया है, 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में अब ग्लोबल टेंडर नहीं करना, यह हमारी सरकार का निर्णय है। इसका मतलब एक प्रकार से आपके लिए रिजर्वेशन हो गया है। वो अब ये ना हो कि भाई 200 करोड़ तक तो लेना नहीं है, तो जैसे भी तो मोदी जाएगा कहां, उसको तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा मत कर रहा। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत कर रहा। आप ऐसा करके दिखाइए कि सरकार को निर्णय करने के लिए मजबूर होना पड़े कि आज तो आपने 200 करोड़ किया है, आगे से 500 करोड़ का प्रतिबंध लगा दीजिए, हम 500 करोड़ तक देने के तैयार। हम एक हेल्दी कंपटीशन की ओर जा रहे हैं। साथियों, ग्लोबल मार्केट में भी एमएसएमई उद्योग देश का परचम और ऊंचा लहराए, इसके लिए निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी दिशा में फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, इनके लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं। आर्थिक मदद हो, सर्टिफिकेशन से जुड़ी मदद हो, ये सुविधाएं एक्सपोर्ट प्रोसेस को फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट के लिए और आसान बनाएगी। और मैं तो चाहूंगा कि हमारे अधिकतम लोग ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर करें। आप ये चिंता मत कीजिए कि आपकी फैक्ट्री बहुत छोटी है, आप चीज बहुत छोटी बन, चिंता मत कीजिए। आप खोजते रहिए, दुनिया में कोई तो होगा जो इसके इंतजार में होगा। और मैंने तो मेरे मिशन को भी कहा है विदेश विभाग में कि अब विदेश विभाग डिप्लोमेटिक जो काम करते आए हैं करें, लेकिन तीन चीजें उनको करनी ही पड़ रही है। हर मिशन को मैंने कहा है, मैं मिशन का मूल्यांकन तीन बातों को जोड़ करके करूंगा। एक,
ट्रेड, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा टूरिज्म। अगर आप उस देश में भारत के प्रतिनिधि हैं तो आपको ये बताना होगा हिंदुस्तान से कितना सामान उस देश ने इंपोर्ट किया, ये हिसाब किताब रखूंगा। दूसरा मैंने कहा है उस देश के पास कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी है तो उसको आप हिंदुस्तान में लाए कि नहीं लाए, क्या कोशिश की, ये नापा जाएगा। और तीसरा उस देश से कितने लोग भारत देखने के लिए आए, ये 3T जो है ना, आज मिशन पूरे लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप उस मिशन का संपर्क नहीं करोगे, आप नहीं बताओगे हाँ हम ये बनाते हैं, आपके देश में वहां ये जरूरत है, तो फिर वो मिशन वाले भी क्या करेंगे। सरकार आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आप भी अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने देश में बेचने के बजाय आपकी ब्रांड दुनिया में जाए, ये सपने लेकर के आज यहां से जाना है। अगली बार मैं पूछूंगा कि पहले 5 देश में माल जाता था, 50 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और मुफ्त बेचना नहीं है, कब आ रहा है आपको। साथियों, बीते 8 वर्षों में एमएसएमई सेक्टर का इतना विस्तार इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सरकार देश के एमएसएमई उद्यमियों, कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे जुड़े साथियों पर भरोसा करती हैं। हमारी नियत और हमारी निष्ठा बिल्कुल साफ है और इसी का परिणाम नजर आ रहा है। हम कैसे बदलाव लाए हैं इसका एक उदाहरण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी है। 2008 में जब देश और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में था, तब इस योजना को लागू किया गया था। तब यह दावा किया गया था कि अगले 4 वर्षों के दौरान, यानी मैं 2008 की बात कर रहा हूं, 4 वर्षों के अंदर लाखों रोजगार तैयार किए जाएंगे। लेकिन 4 साल बाद भी तब की सरकार अपने आधे लक्ष्यों को तक भी निकट भी नहीं पहुंच पाई थी। 2014 के बाद हमने देश के एमएसएमई, देश के युवाओं के हित में इस योजना को लागू करने के लिए हमने नए लक्ष्य तय किए, नए तौर तरीके अपनाए और नई ऊर्जा के साथ लग गए। बीच में कोरोना का संकट आया, और भी छोटे मोटे संकट आप देखते हैं दुनिया भर में क्या चल रहा है। इसके बावजूद भी बीते वर्षों में इस योजना के तहत ही 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है, और एमएसएमई के माध्यम से। इस दौरान उन उद्यमों को लगभग 14,000 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी दी गई है। इससे देश में लाखों नए उद्यम शुरू हुए हैं। देश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने के लिए इस योजना में आज नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। अब इस योजना के दायरे में आने वाले प्रोडक्ट्स, इसकी कॉस्ट लिमिट का बढ़ा दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसे 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख, तो सर्विस सेक्टर में इसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर के 20 लाख कर दिया गया है, यानी एक प्रकार से डबल। यही नहीं, जो 100 से अधिक हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, आज आपने देखा होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने इसमें काम जो किया है उनको भी आज हमने सम्मानित किया, क्योंकि जिन जिलों को राज्य भी गिनता नहीं था उन जिलों में आज वो ताकत आई है कि हिंदुस्तान को उनको सम्मानित करने का नौबत आ गई है। ये बदलाव कैसे आता है, इसका नमूना है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हमारे युवाओं को हम मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
हमारे देश में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है जो हमारे ट्रांसजेंडर है, ईश्वर ने उनके साथ जो भी किया है उनको भी अधिक अवसर मिले, उनके लिए भी पहली बार एक विशेष दर्जा देके उनको भी आर्थिक सहायता और उनकी अंदर जो क्षमता है उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देना, उस दिशा में हमने काम किया। साथियों, सही नीतियां हो और सबका प्रयास हो तो कैसे बड़ा बदलाव आता है, इसका एक बड़ा उदाहरण अभी हम जब फिल्म देख रहे थे उसमें भी उसका उल्लेख था, हमारा खादी। आजादी के शुरू शुरू में तो खादी याद रही, धीरे 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 खादी सिकुड़ करके नेताओं का कॉस्ट्यूम बन गया, नेताओं के लिए ही बच गई, वो बड़ा बड़ा कुर्ता पहनो चुनाव लड़ो यही चलता था। उस खादी में फिर से प्राण भरने का काम किया, पहले की जो नीतियां थी उसको आज देश भली भांति जानता है। अब पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1,00,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गांवों में हमारे छोटे छोटे उद्यमियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने बहुत परिश्रम किया है। बीते 8 वर्षों में खादी की बिक्री 4 गुना बढ़ी है, 4 गुना। बीते 8 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग में 1.5 करोड़ से ज्यादा साथियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। अब भारत की खादी लोकल से ग्लोबल हो रही है, विदेशी फैशन ब्रांड भी खादी की तरह आकर्षित हो रही है। हमारा उस पर भरोसा होना चाहिए, हम अगर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया कौन भरोसा करेगी। आप अपने घर में अपने बच्चे का सम्मान नहीं करोगे तो आप चाहोगे कि मोहल्ले वाले करें, हो सकता है क्या? नए नए क्षेत्रों से नए नए बाजारों के लिए नए रास्ते बने हैं जिसका छोटे उद्योगों के लिए बहुत फायदा हो रहा है। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता आज हमारे गांव, गरीब, छोटे शहरों, कस्बों के परिवारों के लिए सहज विकल्प बन रही है। इसका एक बड़ा कारण है लोन मिलने में आसानी। 2014 से पहले तक भारत में बैंकों के दरवाजे तक पहुंचना सामान्य मानवी के लिए बहुत मुश्किल था, बिना गारंटी के बैंक से ऋण पाना लगभग असंभव था। गांव, गरीब, भूमिहीन, छोटे किसान, छोटे दुकानदार की गारंटी कौन देगा भला? और बिना गारंटी वो काय करेगा क्या? उसको साहूकार के पास जाना पड़ता था, बैंक लोन नहीं देते थे और दूसरी जगह से जब लेते थे तो ब्याज से मर जाते थे, कर्ज के बोझ में डूब जाते थे और इसलिए वो बड़ी डिफेंसिव जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता था। ऐसी स्थिति में गांव में रहने वाले गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, आदिवासी, इनके बेटा बेटी स्वरोजगार के बारे में सोचते ही नहीं थे, वो रोजगार के लिए कहीं शहर में जाकर के झुग्गी झोंपड़ी की जिंदगी गुजारनी पड़ी, बेचारा मजबूरन चला जाता था। अब हमारी बहन बेटियों के सामने तो नए विकल्प लेकर के हम आए हैं, उन सीमित विकल्पों से हमको बाहर ले जाने का प्रयास किया है। साथियों, इतने बड़े देश का तेज विकास सबको साथ लेकर ही हो सकता है, इसलिए 2014 में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमने इस दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया। इसके लिए हमने रिफॉर्म्स का, नई संस्थाओं के निर्माण का, स्किल डेवलपमेंट और एक्सेस टू क्रेडिट का रास्ता चुना। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है
और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। इस योजना के तहत अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं, 19 लाख करोड़ रुपए, और लोन लेने वालों में लगभग 7 करोड़ ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने पहली बार कोई उद्यम शुरू किया है और वो एक नए उद्यमी बने हैं। यानी मुद्रा योजना की मदद से 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं, और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहां रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। साथियों, ये बात भी खास है कि मुद्रा योजना के तहत जो लोग 36 करोड़ लोन दिए गए, उसमें से लगभग 70% लोन, ये और खुशी की बात है। और देश कैसे बदल रहा है, देश कैसे बढ़ रहा है, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जो लोन दिए गए हैं उसमें 70% महिला उद्यमी है। कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहन बेटियां इस एक योजना से ही उद्यमी बनी है, स्वरोजगार की ओर जुड़ी हुई है, और उसके कारण उसका जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बना होगा, परिवार में जिसकी जो इज्जत बनी होगी, समाज में उसकी इज्जत बनी होगी, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं हो सकती। दोस्तों, साथियों, एमएसएमई सेक्टर भले ही पूरी तरह से फॉर्मल ना हो, लेकिन एक्सेस टू क्रेडिट फॉर्मल रहा है। भारत के अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाले इस पहलू की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करते, और इसमें हम 10-20 हजार रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको पहले माइक्रो फाइनेंस माना जाता था। यहां हम 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की गारंटी की फाइनेंस की बात कर रहे हैं, जो आज महिला उद्यमियों तक पहुंच रहा है। यानी पहले जहां महिला उद्यमिता के लिए माइक्रो फाइनेंस को सिर्फ पशुपालन, कढ़ाई बुनाई, मुझे याद है हम जब गुजरात में थे तो कभी कभी सरकार की ऐसी योजनाएं आती थी, मुर्गी के लिए पैसे देते थे और फिर बताते थे मुर्गी लीजिए, इतने अंडे होंगे, फिर इतनी मुर्गी होंगी, फिर इतने अंडे होंगे, और वो बेचारा लोन लेता था, 5 मुर्गी ले आता था, और शाम को लाल गाड़ी वाले अफसर आ जाते थे, वो कहते हैं रात को रुकना है। अब रात को रुकने का मतलब क्या है, 5 में से 2 गई। आप सबने देखा है ना, आज वक्त बदल चुका है दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी चीजों में सब सीमित रखा गया था, हमने मुद्रा योजना के माध्यम से पूरे व्याप को बदल दिया, उसका हौसला बुलंद बना दिया। 10 लाख रुपए से उठाओ, करो कुछ। मुझे जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर स्कूल एमएसएमई के से करीब 18% महिलाएं हैं, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ये भागीदारी और बढ़े इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप में ये इंक्लूसिवनेस, ये आर्थिक समावेश ही सही मायने में सामाजिक न्याय है। क्या आपने कभी सोचा था कि रेहड़ी ठेले पटरी पर अपना छोटा सा काम करने वाले साथियों को बैंकों से ऋण मिलेगा? मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं जी, जिस बैंक मैनेजर के घर में सालों से जो सब्जी पहुंचाता होगा, सालों से अखबार उनके यहां डालता होगा, उसको भी शायद उस बैंक वाले ने कभी लोन नहीं दिया होगा, क्योंकि
इसका मतलब यह नहीं कि उसका अविश्वास था, उसका मतलब यह नहीं कि उसको कुछ मिले चाह, लेकिन एक ऐसी सोच का दायरा बन गया था कि इसके बाहर नहीं निकल सकते। आज वो रेड़ी पटरी वाले बैंक के दरवाजे पर जाके खड़े रहते हैं, बिना गारंटी पैसा दिया जाता है उनको। और स्कीम का नाम है स्वनिधि। आज पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाखों ऐसे साथियों को सिर्फ ऋण ही नहीं मिल रहा, बल्कि उनके छोटे कारोबार को बड़ा करने का रास्ता भी मिला है। हमारे जो साथी गांव से शहर आते हैं, सरकार इनको एक साथी की तरह सपोर्ट कर रही है, और ये मेहनत करके अपने परिवार को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी, अगर मैं आपको कहूं कि आप डिजिटल पेमेंट कीजिए, तो आप 50 बार सोचेंगे डिजिटल पेमेंट करूंगा तो रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा तो मोदी देखेगा, मोदी देखेगा तो किसी इनकम टैक्स वाले को भेजेगा, इसलिए डिजिटल नहीं करूंगा। आपको खुशी होगी, सब्जी दूध बेचने वाले मेरे ठेले वाले डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट। और मैं मानता हूं दोस्तों, इस प्रगति में हमें शरीक होना है, इस प्रगति का आपको नेतृत्व करना है। आगे आइए दोस्तों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यही सच्ची प्रगति है, यही सही विकास है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर से जुड़े अपने हर भाई बहन को ये विश्वास दिलाता हूं, सरकार आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियां बनाने के लिए तैयार है, निर्णय करने के लिए तैयार है, और प्रोएक्टिवली आपका हाथ पकड़कर चलने के लिए तैयार है। आप आगे आइए। तो उद्यमी की हर सिद्धि, और मुझे उसमें कोई दुविधा नहीं है, आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति इसी में है दोस्तों, आप ही में है, आपके पुरुषार्थ में है। और मेरा देश के एमएसएमई सेक्टर पे, आप सब पर, देश की युवा पीढ़ी में, और विशेष करके हमारी बेटियां जो साहस के साथ आगे रही है, उन पर मेरा भरोसा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश अपने सारे सपनों को अपनी आंखों के सामने सिद्ध होते हुए देखने वाला है। आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, हां ये बदला हुआ, ये हुआ, आपको दिखेगा जी। देश के एमएसएमई सेक्टर से मेरा आग्रह है कि सरकार की इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाए। और आपके एसोसिएशन में चाहूंगा, मैं आज से देखना शुरू करूंगा, जेम पोर्टल पर इसी हफ्ते में 1 करोड़ लोग ज्यादा बढ़े कि नहीं बढ़े, मैं देखना चाहता हूं। जरा एसोसिएशन के लोग आओ मैदान में, सरकार आपसे लेने के लिए तैयार है, आप जुड़िए तो सरकार को बताइए मैं ये बनाता हूं, ले लो। आप देखिए बिना हिचकी हर चीज आपकी चली जाएगी जी। साथियों, मुझे अच्छा लगा जिन साथियों को सम्मान करने का मुझे अवसर मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग नहीं करते होंगे, वो भी अपनी तैयारी करें, अगली बार आपको सम्मान करने का मुझे मौका मिले, अधिक लोगों को सम्मान करने का मौका मिले, और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के